कोई ना प्रसाद खा के, ना निःशुल्क राशन लेके, ना किसान 6,000 लेके, ना कोई लाडली बहन लाडली योजना के पैसे लेके कोई गुलाम नहीं हो जाते किसी को वोट देने के लिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो लोग ज़्यादा कपड़े बदलते हैं वो ढोंगी होते हैं, वो पाखंडी लोग होते हैं, उनका सीधा सा इशारा एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की तरफ है। प्राण प्रतिष्ठा एक पुरानी परंपरा है, इसको भी अब खत्म होने की जरूरत है। जैसे सती प्रथा खत्म हुई देश में, बाल विवाह खत्म हुआ, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। धर्म कोई है, धर्म अस्तित्व में है, धर्म ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड के जो नियम कानून कायदे हैं उसका नाम धर्म है, उस धर्म के अनुसार जीना ही मानवीय संविधान है, मानवता है। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई एकाध दिन कोई ऐसी यात्रा करे तब तो एक्सेप्शनल केस हो जाता है, भाई एकाध बार की कोई बात नहीं, कहीं इधर उधर है और सुरक्षा का मामला है। तो ऐसे मामलों पर, इंडिविजुअल मामलों में, आस्था के मामलों में इन लोगों को खुद के खर्चे से वहाँ जाना चाहिए और कोई भी सरकारी संपत्ति या सरकारी मशीनरी का उपयोग या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को उसमें भी नहीं जाना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए, इस देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए जहाज है, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जब है वो जहाज उपलब्ध, जब देश का काम हो रहा हो, संविधान के अनुसार कोई काम हो रहा हो, कोई इंडिविजुअल आस्था के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो जहाज भी उपलब्ध नहीं कराना चाहिए सिस्टम को, व्यवस्था को। लेकिन क्या लग रहा है, 11 दिन के मोदी जी मौन व्रत पर हैं, अभी कुछ टाइम बचा है प्राण प्रतिष्ठा को, मोदी जी अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन पीएमओ ऑफिस में काम कौन कर रहा है इसमें? अरे मोदी जी तो लगातार ही मौन व्रत पे हैं हमेशा। कब उन्होंने मीडिया का सामना किया है, कब मीडिया के सवालों का उत्तर दे सकते हैं? वो मौन ही तो हैं। वो कहने को तो लोग बीजेपी के लोग कहते थे जब मनमोहन सिंह को मौनी बाबा, अब असली मौन कौन करता है? असली मौन धारण वो करता आदमी जिसकी हिम्मत नहीं मीडिया के सामने पेश होने की, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक उन्होंने नहीं की। तो इससे तो लगातार वो मौन व्रत में है। ये कौन सा मौन व्रत है अलग से? ये मौन व्रत तो उनका लगातार है जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो मौन व्रत धारण किए। चारों शंकराचार्य कह रहे हैं भाई आप प्राण प्रतिष्ठा कीजिए लेकिन हम नहीं आएंगे, ये इनका आपसी आस्था वालों का अंतर कलह है, आपसी झगड़ा। इसको देश से कोई लेना देना नहीं, संविधान को इससे कोई लेना देना नहीं, देश की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। क्या लग रहा है आपको, हाई कोर्ट में जिस तरीके से याचिका गई है, क्या अगर वहां से कोई फैसला आया तो क्या प्राण प्रतिष्ठा रुक जाएगी राम मंदिर? भाई हाई कोर्ट के जजों ने आस्था के नाम पे राम मंदिर का फैसला कर दिया, और आस्था के नाम पे अगर सनातनी कुछ लोग वहां पहुंचे हैं, उनका मंदिर है ये, तो उनको उनकी बात सुन के हाई कोर्ट को स्टे करना चाहिए, करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा रुक जाएगी? क्यों नहीं रुक जाएगी, जब इतने बड़े बड़े काम रुक सकते हैं यहाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा में क्या जल्दबाजी है, बाद में हो जाएगी। कहा जा रहा मंदिर भी अधूरा है, सरकार जल्दबाजी कर रही है इसमें भी। ये तो सरेआम जल्दबाजी तो दिखाई दे रही है, क्या जल्दबाजी है? ये तो जब होता है ना, जब हम किसी के जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ फटाफट मकान बनाते हैं, फटाफट मुहूर्त कर देते हैं, फटाफट हवन करवा देते हैं ताकि वो सबूत हो जाएं कोर्ट में दिखाने के लिए, इसमें जल्दबाजी क्या है? ये जल्दबाजी है, ये तो कॉमन सेंस तो यही कहती है, ये सब जो कुछ हो रहा है जल्दबाजी में गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। ये पॉलिटिकल वो है, ये किसी ने तय नहीं किया, किसी ने मुहूर्त नहीं निकाला, मुहूर्त निकलवाया गया ना, लोग कोई जाना, लोग ले जाए जा रहे हैं, लोग नहीं जा रहे, ये सब कुछ ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है, ये इलेक्शन को ध्यान में रख के किया है। और इलेक्शन में फ्यूचर में इस बात का डर है देश के लोगों को अब के राम के मंदिर का नाम का प्रसाद बांट के ईवीएम में गड़बड़ करो और लोगों को ये वहम रहेगा, सब सोचेंगे कि यार मैंने तो वोट नहीं किया, ये किसने किया, ये राम भक्तों ने कर दिया होगा, इसलिए कौन किसे पूछेगा। तो इस तरह से गड़बड़ के पीछे ये सारा का सारा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए 24 में, एक तरह से देश की जनता को गुमराह करके। और कारण कुछ और होगा, कोई ना प्रसाद खा के, ना निःशुल्क राशन लेके, ना किसान 6,000 लेके, ना कोई लाडली बहन लाडली योजना के पैसे लेके कोई गुलाम नहीं हो जाते किसी को वोट देने के लिए। जो भी मदद मिलती है सरकार से, व्यवस्था से, वो देश के लोगों की अपनी होती है, उसमें कोई अपने घर से नहीं देता। कह रहे हैं अब की बात 400 पार, इसीलिए तो कह रहे हैं ईवीएम हट गई तो हो सकता है 40 पार ना कर पाए। ईवीएम की लगातार बात कर रहे हैं लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे अब की बार, तीसरी बार मोदी सरकार। अरे फिर ये कहेंगे हमारी आस्था को ठेस पहुंचा दी, राम को लाए, कौन राम को लाए हैं? ये सारी कथा कहानी और इस तरह का, हाँ ये सब बकवास है। तस्वीर जो आपने देखा, तस्वीर जो आपने देखा कि मोदी जी राम जी को पकड़कर मंदिर की ओर ले जा रहे हैं, इससे बड़ा ढकोसला क्या होगा, इससे बड़ा पाखंड क्या होगा। अब तो आज ही मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो लोग ज्यादा कपड़े बदलते हैं वो ढोंगी होते हैं,
वो पाखंडी लोग होते हैं, उसका सीधा सा इशारा एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की तरफ है और प्राइम मिनिस्टर बार बार बदलते हैं। इतने तो ड्रेस नई दुल्हन भी बदलती शादी में, जितने देश का प्राइम मिनिस्टर कहाँ उनके पास समय ये इतने ड्रेसें बदलने के लिए। ये इससे पता चलता है कि ये सब हिपोक्रेसी है, ये कोई देश सेवा की कोई भावना नहीं है, इसमें कोई कॉमन मैन वाली कोई बात। आप देखिए ना, कहे तो रहे 9 साल में एक भी किसी मंदिर का उद्घाटन होते हुए सुना, सड़क का उद्घाटन होता, किसी पुल का उद्घाटन, मंदिर का भी उद्घाटन होते हैं क्या सर? अरे ये हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, ये हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जबकि हिस्ट्री में सारी बातें भी लिखी जाएंगी कि किस तरह से फैसला हुआ था और कैसे इलेक्शन जीतने के लिए क्या काम हुआ था, हिस्ट्री में सारा कुछ लिखा हुआ। लेकिन सर कहते भी रहे ना, 9 साल में एक भी मोदी जी ने छुट्टी नहीं ली। इतनी छुट्टी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा छुट्टी लेते हैं। ये वही है जिस तरह से आदमी सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेता है मगर हाजिरी लगा देता है और छुट्टी मारता रहता है अपने जुगाड़ से, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी छुट्टियां बहुत लेते हैं और अपने जुगाड़ से अपना ये लोगों को ये बताते हैं मैं काम करता हूँ, छुट्टियाँ नहीं लेता। ये क्या है, आप लोग लगातार मंदिरों में धार्मिक या रिलीजियस स्थानों पर घूमना घमाना ये इंडिविजुअल मामला है, ये सरकारी काम नहीं है। इंडिविजुअल कैसे हुआ, उन्होंने तो अपने मैनुफेस्टो में ये मुद्दा रखा था, अब वो बताएंगे नहीं कि हमने ये मुद्दा कंप्लीट कर दिया, तो लोगों को बताएंगे जाकर। हाँ, लोगों को बताएंगे, लोगों तो इंतजार करे 15 लाख की। 15 लाख कहाँ है, 15 लाख का इंतजार करे थे, फिर 15 लाख का चीजें बुलाने के लिए किसानों को 6,000 रुपए दे दिए। लेकिन आप लोग लगातार मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने देखिए ना 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, 18-18 घंटे काम करते हैं। देखो बात सुनो, आप कह रहे हो मोदी जी का विरोध करे, कोई मोदी की नहीं, ना मोदी महत्व है, महत्वपूर्ण देश के लिए। देश में एक व्यवस्था है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर का पद है, उस प्राइम मिनिस्टर के पद पे कोई ना कोई होता है, मोदी हो एक्स वाई जेड हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट मोदी। तो देश एक आदमी नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल आदमी है, उसको ड्यूटी के लिए कुछ काम मिला हुआ इस वक्त, जैसी भी व्यवस्था हमारी है। और ऐसी व्यवस्था में बहुत सारे लोग, गलत सलत लोग भी व्यवस्थाओं में चले जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ वही है देश के लिए। और दूसरा एक और है, ये सारे के सारे लोग इसमें डिक्टेटरशिप वाले काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में अधिनायकवाद नहीं होता, जहाँ चारों तरफ देख लो हर पेट्रोल पंप पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो, वहाँ प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो लगने की बजाय देश के लोगों की फ़ोटो लगनी चाहिए। कहीं दिल्ली में देखते हैं बस में किसी CM की फ़ोटो है, तो ये क्या है, ये अधिनायकवाद है। संविधान में अधिनायकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान में देश के 140 करोड़ लोगों का महत्व है, सब लोग बराबर हैं, सब व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। चलिए लास्ट में आप ये कह रहे हैं विकास हो रहा है, पूरा क्या विकास हो रहा है? सबसे बड़ा विकास होता है आपके घर में अगर भाईचारा है तो आपका विकास है, फिर आप रुकी सुखी खा के भी मजे से सोते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते खेलते हैं। लास्ट सवाल पूछूंगी आपसे, क्या मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, संवैधानिक पद पर हैं? मैं ऐसे एज इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे जैसा आदमी इस नौकरी पे होता, प्राइम मिनिस्टर वाली नौकरी पे, अपन नहीं जाते, क्योंकि ये मामला एक रिलीजियस मामला है। वही लोग करें जो इन लोगों की परंपरा कहती है, जिन लोगों का ये मंदिर है वो लोग अपने आप करें। प्राण प्रतिष्ठा के मायने क्या हैं, इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये प्राण प्रतिष्ठा एक पुरानी परंपरा है, इसको भी अब ख़त्म होने की जरूरत है। जैसे सती प्रथा खत्म हुई देश में, बाल विवाह खत्म हुआ, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। पत्थर में तो करंट भी नहीं जाता, लोहे के तार में तो करंट भी जाता है, वो काम आ जाते हैं हमारे घर में बिजली के लिए, ये तो वो काम भी नहीं आते पत्थर तो। तो इसलिए बात सुनो, ये आस्था का मामला होगा किसी का, कोई भी आस्था अगर साइंटिफिक आधार पे नहीं ठहरती और एविडेंस के आधार पे नहीं ठहरती, वो आस्था इंडिविजुअल हो सकती है, वो देश के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। उसके आधार पे आप लोगों को जेल में नहीं डाल सकते, आस्था इंडिविजुअल मामला हो सकता है। आस्था अगर देश को मनवानी है तो उसको साइंटिफिक आधार पे सच्चाई बतानी होगी, उसके एविडेंस देने होंगे कि पत्थर में कोई जान डाली भी जा सकती नहीं डाली जा सकती, अदरवाइज़ तो ये अपना निजी मामला है लोगों का जो इसमें मानते हैं। मैं पर्सनली नहीं मानता, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और मैं संविधान को मानने वाला लोग आदमी भी हूँ। संविधान के चैप्टर 4 में लिखा है देश के लोगों को धीरे धीरे अंधविश्वास से आगे ले जाने की जरूरत है और उनको विश्वास के साथ सच्चाई के साथ आमना सामना उनका कराना है। ये दो शब्द जो बहुत बड़े भयंकर हैं देश में और लड़ाई के जो कारण बनते हैं, जो एक दूसरे को अच्छा भला बुरा कहने के लिए लोगों को आक्रोशित करते हैं, वो क्या है, आस्तिक और नास्तिक। ये आस्तिक और नास्तिक तरह दोनों के जो ये शब्द हैं, ये निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई मायने नहीं है। असली शब्द है वास्तविक, अस्तित्व की वास्तविकता सब समझ सकते हैं, सब उसको जान सकते हैं, सबके अनुसार जी सकते हैं। धर्म कोई है
धर्म अस्तित्व में है, धर्म ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड के जो नियम कानून कायदे हैं उसका नाम धर्म है, उस धर्म के अनुसार जीना ही मानवीय संविधान है, मानवता है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये सारे संप्रदाय हैं, बाकी चाहे हिंदू हो चाहे और कोई भी एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं, इनको धर्म कहना भी धर्म के साथ बेईमानी है। धर्म व्यवस्था का नाम है, व्यवस्था इस पूरे ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझना है, उसके अनुरूप जीना है। और ये पाखंड में अगर प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं इस मामले में, उनका इंडिविजुअल मामला हो सकता है कुछ लोगों का, मगर मेरे हिसाब से एज ए विजिलेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये फ्रॉड है, ये बकवास है, और इससे देश के युवाओं को इससे बाहर लाने की जरूरत है ताकि लोगों में विश्वास हो सके और अच्छी जिंदगियां जी सकें।